हाय एवरीवन दिस इज़ दीपिका वेलकम बैक आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विथ कंफर्ट पे और आज हम डिस्कस करेंगे एक पॉलिटिकल uh, कंसेप्ट को दैट इज़ मल्टी तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म वॉट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म एंड द वेरियस थ्योरीज जो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने अपने हिसाब से इस कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है जैसे कि वॉट इज़ द लिबरल स्कूल ऑफ थाट जो मल्टी से रिलेटेड है इसके बाद से हम पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद से जो वर्ल्ड ऑर्डर रहा है उसके बाद उसमें मल्टीकल्चरलिज्म का क्या कंसेप्ट है तो ये वेरियस थ्योरीज को हम डिटेल में आज समझने की कोशिश करेंगे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का एंड uh, तो शुरू करते हैं डिटेल में हम आज का वीडियो सो so, पहले हम ये समझेंगे कि वॉट इज़ द कल्चर राइट right. तो अभी तभी, तभी तो आप मल्टी कल्चरलिज्म को समझ पाओगे देखो कल्चरल मल्टी कल्चरलिज्म से ये तो समझ में आ रहा है कि कई सारे कल्चर की यहाँ पर बात होगी ओके एक या दो कल्चर की बात नहीं होगी मल्टीपल कल्चर की बात होगी डाइवर्सिटी की यहाँ पर बात होगी राइट क्योंकि आप देखेंगे ह्यूमन सिविलाइजेशन में डाइवर्सिटी किसके बेसिस पर भी होती है कल्चर के बेसिस पर भी डाइवर्सिटी पाई जाती है फ़ॉर एग्जांपल इंडियन कल्चर यूरोपियन कल्चर एशियन वैल्यूज़ एंड कल्चर तो कल्चर क्या है हम ये समझते हैं सो so, इस डेफिनेशन से आप यह देख रहे होंगे कल्चर क्या है कस्टम्स आइडियाज़ बिलीफ या पर्टिक किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी के जो भी उनकी विचारधाराएं, उनके विश्वास होते हैं जो उनकी प्रथाएं होती हैं उसे हम कल्चर कहते हैं एंड इस कल्चर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे आर्ट लिटरेचर म्यूज़िक हो गया राइट तो हम कहते हैं ना कॉस्ट्यूम्स हो गए फूड हो गया तो बहुत सारे प्रैक्टिस बहुत सारे कस्टम्स लिटरेचर म्यूज़िक ये सारी चीज़ें किसके पार्ट हैं कल्चर के पार्ट हैं है. और इस बेसिस पे हम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन म्यूज़िक इंडियन फूड अपने आप में यूनिक है इसी तरीके से आप वेस्टर्न कल्चर को आप देखेंगे तो वहाँ का जो फूड है वेस्टर्न म्यूज़िक है जो या वेस्टर्न सोसाइटीज़ uh, के जो लिटरेचर हैं वो लैंग्वेज भी इसका एक पार्ट है तो इस आधार पर डाइवर्सिटी पाई जाती है एक्रॉस दी वर्ल्ड ओके okay, तो इस तरीके से हम अब जो मल्टी में बात होगी तो मल्टी में बात होगी कि इन जो ये जो वेरियस कल्चर कल्चरल डाइवर्सिटी है हम ऐसे किसे किस तरीके से रिस्पेक्ट करें प्रिजर्व करें और इनसे बिलोंग करने वाले जो लोग हैं जो इंडिविजुअल्स हैं जो मेम्बर्स हैं इन कम्यूनिटीज़ के उनके उनको कैसे हम उनके राइट्स दे पाएँ और कैसे उनकी प्रैक्टिसज़ और बिलीफ को हम एक्नॉलेज कर पाएँ गेटिंग इट तो कल्चर की मीनिंग आपको समझ में आ गई कि व्हाट इज़ द कल्चर अब इन डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स आइडियाज़ और बिलीफ को हमें क्या करना है हमें रिस्पेक्ट करना है प्रिजर्व करना है और इनके बेसिस पे लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करना है ओके okay? लोगों को फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए अपने आइडियाज़ अपने अपने जो कस्टम्स हैं उनको प्रैक्टिस करने का राइट्स होना चाहिए गेटिंग इट अब ये क्यों आया है जिस तरीके से यूनिफॉर्मिटी की बात की जाती है सोसाइटी में यूनिवर्सल सिटीजनशिप की बात की जाती है स्पेशली लिबरल आइडियाज में राइट तो ये उसके खिलाफ है ओके okay, तो बेसिक आइडिया लगा मल्टीकल्चरलिज्म का सो मल्टीकल्चरलिज्म डिस्क्राइब द मैनर इन विच अ गिवन सोसाइटी डील्स विद द कल्चरल डाइवर्सिटी सो कि जो ये कल्चरल डाइवर्सिटी लैंग्वेज फूड आइडियाज़ बिलीफ़ फेथ लिटरेचर म्यूजिक आर्ट इनके आधार पर जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है सोसाइटीज़ में हम इन्हें कैसे एड्रेस करेंगे या इन इन डाइवर्सिटी के साथ कैसे डील करेंगे ये बेसिक कंसर्न किसका है मल्टीकल्चरलिज्म का और मल्टीकल्चरलिज्म में डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने अपने तरीके बताए हैं कि इस कल्चरल डाइवर्सिटी को से हम कैसे कैसे डील दी, करेंगे ओके okay? सो so, इस अम, ओवरऑल या अल्टीमेट गोल क्या है हमें को एग्जिस्ट करना है पीसफुली भाई इंडियन सोसाइटीज़ के अपने कल्चर हैं यूएस सोसाइटीज़ के अपने कल्चर हैं या फॉर एग्जांपल चाइना की जो सोसाइटी है उसके अपने कल्चर हैं गेटिंग इट नेपाल के अपने हैं तो इस इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट कम्यूनिटीज़ और कल्चर के जो लोग हैं ये पीसफुली कैसे को करें ये अल्टीमेट एम एंड ऑब्जेक्टिव है ओके okay, सो so हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है डाइवर्सिटी के आधार पर ओके सो सेंट्रल थीम ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म इज द इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज कल्चरली एम्बेडेड जो बेसिक थीम है सेंट्रल थीम है मल्टी कल्चरलिज्म की ये बेसिक अजम्पशन ये है कि जो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती है वो किस पर बेस्ड होती है कल्चर पर बेस्ड होती है और हमें इस चीज़ के रिस्पेक्ट करना है हमें इस तरीके का फ्रेमवर्क डेवलप करना है कि वेरियस जो कल्चर्स के लोग हैं वो पीसफुली को एग्जस्ट कर पाए जैसे हम कनाडा की बात करें बहुत पॉपुलर एग्जांपल है मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में कनाडा कैनेडा में बहुस दी ग्लोब बहुत सारे लोगों ने मूव किया और वहाँ पर आप देखोगे कि आपको मल्टी का जो एग्ज़ाम्पल है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा आप देखोगे कि कैनेडा में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं फिर इंडियंस में आप देखेंगे पंजाबीज़ रहते हैं या वेरियस जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से जाकर लोग रहते हैं और इस्पेशली हम इंडिया की बात करें अगर तो इंडिया में आप जैसे डेली देख लीजिए मुंबई देख लीजिए यहाँ पर आपको मल्टी कल्चरलिज़म देखने को मिलेगा अब दिल्ली में या मुंबई में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो एकस दी इंडिया लोग माइग्रेट करते हैं इन मेट्रो सिटीज़ में चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो मुंबई हो चाहे वो बैंगलोर हो अब यहाँ पर जाके लोग अपने इम्प्लॉयमेंट रोज़गार और अदर फैक्टर्स की वजह से यहाँ पर जाते हैं वहाँ सेटल होते हैं तो अपना कल्चर रहता है मल्टीपल कम्युनिटीज़ बनाते हैं ओके okay, इट, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी सो मल्टी कल्चरलिजम के जो सपोर्टर हैं उनका बेसिक मान बेसिकम्पन ये है कि इंडिविजुअल की आइडेंटिटी उनके कल्चर के आधार पर होती है अब आप जब डेली में रहते हो ना आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी सिटी में रह रहे हो आपको अपने क्षेत्र का कोई मिल जाएगा अच्छा आप यूपी से हैं अच्छा अच्छा आप बिहार से हैं अच्छा आप साउथ से हैं ये जो फीलिंग आती है ना कि अच्छा हम एक कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं एक जैसा फ़ूड खाते हैं एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं या एक जैसे हमारे बिलीफ हैं तो ये सिमिलरिटी और एक आइडेंटिटी क्रिएट करती है तो मल्टी uh, कल्चरलिज़म की ये बेसिक बैकग्राउंड था बेसिक मीनिंग या डेफिनेशन आप कह सकते हैं जिसको हम कुछ पॉइंट्स में यहाँ डिस्कस करेंगे जो अभी हमने समझा फर्स्ट स्लाइड से सो की टेक अवेज ऑफ मल्टी के जो कंसेप्ट के हैं पहला कि सोसाइटी डील्स विद द कल्चरल डायवर्सिटी मल्टी एक तरीका है जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सोसाइटी कल्चरल डाइवर्सिटी से कैसे डील करेगी पहला टेक अवे सेकेंड सोसाइटी एज अ होल बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज डाइवर्सिटी मल्टीकल्चरिज्म को सपोर्ट करने वाले स्कॉलर्स कहते हैं कि जो जितनी ज़्यादा डायवर्सिटी इंक्रीज करेगी ये सोसाइटी के लिए उतना ही बेनिफिशियल है ये उतना ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा क्योंकि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं वो को एग्जस्ट करेंगे पीसफुली या एक हारमोनी में एडजस्ट करेंगे सो so, हारमोनियस को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर उस सोसाइटी को एनरिच करता है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट मल्टीकल्चरलिज्म के जो सपोर्टर्स हैं वो दो तरीके से दो थ्योरीज़ देते हैं डिफाइन करने के लिए मल्टीकल्चरलिज्म को एक मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी और दूसरा है सैलेड बॉल थ्योरी सो मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी या सैलेड बॉल सैलेड बॉल से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जब हम सैलेड्स बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को हम उस मिक्स करते हैं और उनका ओवरऑल जो टेस्ट आता है वो एक एक मतलब मिक्स होकर आता है ऐसा नहीं कि आप अलग अलग आएगा जो सैलड बॉल होता है हम मिक्स करके और उसको उसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस कर देते हैं ओवरऑल टेस्ट ओके यही आप, आप अगर सेपरेट एक एक वेजिटेबल्स खाएंगे तो शायद उतने टेस्टी ना लगे उतना यमी ना लगे लेकिन जब हम सैलड को डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल को मिक्स करते हैं सॉल्ट डालते हैं फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उस पर उसको फर्निश करते हैं तो उसका टेस्ट इन्हेंस होता है उसी तरीके उसी तरीके से सोसाइटी में जब मल्टीपल कल्चर्स के लोग रहते हैं तो उस सोसाइटीज की वैल्यू इन्हेंस हो जाती है गेटिंग इट ओके सो ये मल्टी होता कैसे है ओके okay, सो so ये नेशन वाइड भी हो सकता है मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के बीच में हो सकता है जैसे इंडिया इंडियंस ने यूएस में माइग्रेट किया या यूएस एस को कोई बंदा आकर इंडिया में रह ले सो नेशन वाइड स्केल पर भी होता है एंड विद इन नेशंस कम्युनिटीज़ भी होता है फ़ॉर एग्जांपल इंडिया में वेरियस कल्चर्स एंड कम्युनिटीज के लोग हैं साउथ इंडिया पीपल आकर नॉर्थ इंडिया में रहने लग जाएं या बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के पीपल्स हैं जो वो आकर हमारे सेंट्रल या नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेली मुंबई यहाँ पर आकर रहते हैं तो इस तरीके से विद इन कंट्री एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री ये फिनोमिना हैपन होता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये जो फिनोमिना हो रहा है विद इन कंट्री एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री ये इमिग्रेशन के थ्रू हो सकता है कि लोग जाकर सेटल हो जाते हैं यह आर्टिफिशियल इवन जिरोडिक्शन ऑफ डिफरेंट कल्चर का कम्बाइंड या फॉर एग्जांपल कोई किसी कोई पार्ट को हमने अपने अपने कंट्री पे मिक्स uh, कर लिया ऐड ऑन कर लिया तो इस लजिस्लेटिव एक्शंस के थ्रू भी चीज़ें होती हैं तो कई तरीके से ये फिनोमिना हैपन होता है तो मल्टी की मीनिंग आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी अब हम डिफरेंट स्कॉलर्स के या डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म को डिस्कस करेंगे सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला है लिबरल स्कूल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म और इस मल्ट इस स्कूल ऑफ थाट को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा जो विल केमल के का है इनके द्वारा इन्होंने एक बुक लिखी है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप और लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स और इस बुक में इन्होंने जो इनका लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है मल्टी कल्चरजम को उसको डिस्क्राइब किया है तो ये समझते हैं कि इनके प्रोविजंस क्या हैं सो so, ये कहते हैं कि लिबरल स्टेट शुड मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द माइनॉरिटीज़ तो जो किसी भी स्टेट में जो माइनॉरिटीज़ हैं ना उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने चाहिए और इस स्पेशल प्रोविजंस में विल के मिल का कहते हैं कि हमें थ्री सेट्स ऑफ राइट्स देने चाहिए पहला स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राइट्स सेकंड सेल्फ गवर्नेंस राइट्स एंड थर्ड स्पेशल कल्चरल राइट्स तो ये तीन तरीके के राइट्स हमें इन माइनॉरिटीज़ को देना चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन कम्युनिटी जो यूएस में रह रही हैं तो वो यूएस एस सिटीजन के कंपेयर में माइनॉरिटी हुए ना वहाँ पर मेजोरिटी कौन है यूएस के सिटीज़नशिप इंडियन कम्युनिटीज फॉर एग्जांपल या जापान में रह रहे हैं तो वहाँ पर तो हमारी इंडियन कम्युनिटी माइनॉरिटी में हो गई ना ओके सो विल्क मिल्क के अकॉर्डिंग ये थ्री सेट्स ऑफ राइट्स हमें इन इंडियन कम्युनिटी को देना चाहिए जो एब्रॉड में रह रहे हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स कि हाँ इनका इनके जो इंटरेस्ट हैं वो रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं चाहे वो पॉलिटिकल इसफेयर में हो चाहे वो इकोनॉमिक इस्फेयर में हो फिर सेल्फ गवर्नेंस राइट मतलब अपने खुद की जो गवर्नेंस है थोड़ा बहुत राइट जो एडमिनिस्ट्रेटिव परपज़ है वो उसके थोड़े बहुत राइट्स मिलने चाहिए लिबर्टी मिलनी चाहिए फ्रीडम्स मिलने चाहिए देन कल्चरल राइट्स ऑल्सो स्पेशल कल्चरल राइट जो इंडिया के कल्चर हैं जैसे अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना अपने ट्रेडिशंस को कंटिन्यू रखना अपने कॉस्ट्यूम्स फूड इससे रिलेटेड राइट्स मिलने चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो विल्क मिल्का कहते हैं वो कहते हैं कि मल्टी कल्चरलिज्म एक लॉजिकल एक्सटेंशन है लिबरलिज्म का लिबरलिज्म की सेंट्रल थीम क्या थी लिबर्टी मतलब फीड फ्रीडम कि इंडिविजुअल को फ्रीडम होनी चाहिए लिबर्टी होना चाहिए स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए सो so, विल के मिल्क के अकॉर्डिंग जो जो मल्टी है ये अपने जो लिबरलिज्म है इसका लॉजिकल एक्सटेंशन है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओके लॉजिकल एक्सटेंशन कैसे जब हम लिबरलिज्म में बात करते हैं लिबर्टी और फ्रीडम की तो मल्टी कल्चरलिज़म में भी तो हम यही बात कर रहे हैं कि भाई जो अपने ट्रेडिशन हैं अपनी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो बिलीफ हैं उसको प्रैक्टिस करने या कंटिन्यू करने का हमें राइट right होने चाहिए तो ये इंडिविजुअल की चॉइस होनी चाहिए ना कि इसमें स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए स्टेट का काम है इन्हें प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना सेफ प्रोवाइड करना राइट स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करना ताकि माइनॉरिटीज के राइट right को हम प्रोटेक्ट कर सकें द मोस्ट यूनिक थिंग जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी बनती है विल के मिलका के इस लिबरल स्कूल ऑफ थाट का वो कि ये बात कहते हैं कि जो ये माइनॉरिटीज़ राइट्स हैं ना ये थ्री सेट्स ऑफ राइट्स हैं ये हमें सिर्फ नेशनल माइनॉरिटीज़ को देना है ना कि इमिग्रेंट्स या रिफ्यूज़ीज़ को और ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बनता है इनके पॉइंट का अभी इसके पीछे लॉजिक क्या देते हैं कि क्यों ऐसा करना चाहिए कि जो स्पेशल राइट्स या स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द माइनॉरिटीज़ हमें किसे देना है जो नेशनल माइनॉरिटीज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो यू में जाकर यू के माइनॉरिटीज़ हैं उनको देना है ऐसा नहीं कि जो इंडिया व इंडिया जो इंडियंस हैं वो यू में जाकर बस गए तो उन इंडियन कम्युनिटीज़ को इसमें ये इंक्लूड नहीं करते हैं गेटिंग इट क्यों क्योंकि विल के मलिका कहते हैं कि जो इंडियन यूएस में आकर बसे हैं ओके जो इंडियन यूएस में आकर बसे हैं ये मैटर ऑफ़ चांस से नहीं आए हैं ये क्या है मैटर ऑफ चॉइस है इंडियंस ने जो जो भी इंडियन ने माइग्रेट किया यूएस में ये ये इनका खुद का डिसीज़न था ओके इन्होंने ये चॉइस बनाई है, अपना डिसीज़न लिया है तो हम इन इन इंडियंस को क्यों दें ये तो बर्डन बन जाएंगे उस नेशन के लिए तो इमिग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज मैटर ऑफ चॉइस का कंसर्न है विषय है इस वजह से हम इन्हें स्पेशल राइट्स नहीं देंगे अदरवाइज ये उस नेशन स्टेट के लिए बर्डन बन जाएंगे जो नेशनल माइनॉरिटीज़ हैं जो फॉर एग्जांपल यूएस कम्युनिटीज़ में ही कुछ लोग माइनॉरिटीज़ होंगे उस यूएस के सिटीजन्स जो हैं जो माइनॉरिटीज़ में हैं हमें उनको देना है स्पेशल प्रोविजन्स स्पेशल राइट्स क्यों क्योंकि वो मैटर ऑफ चांस से उस कम्युनिटी के पार्ट बने हैं चॉइस से नहीं बने हैं अगर अभी भी आपको ये समझ में नहीं आता तो मैं इंडिया का एग्ज़ाम्पल्स लेती हूँ फॉर एग्जाम फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें वेल के एलिका के अकॉर्डिंग तो इंडिया में बहुत सारे माइनॉरिटीज़ हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैन जैनिज़म रिलीजन को ले लें या बुद्धिस्ट को ले लें ओके okay, ये सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं और फॉर एग्जाम्पल जो हिंदू हैं वो मेजोरिटी में हैं सो so, बुद्धिस्ट जो लोग हैं जो जो इस बुद्धिस्ट कम्युनिटी कल्चर के लोग हैं ये माइनॉरिटी के पार्ट हैं इंडिया में तो विल के मिलिका के अकॉर्डिंग ये बुद्धिस्ट क्या हैं ये नेशनल माइनॉरिटीज़ हैं और इन्हें स्पेशल प्रोविजंस फॉर राइट्स बनाने चाहिए थ्री सेट्स ऑफ राइट्स देने चाहिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन सेल्फ गवर्नेंस राइट्स एंड स्पेशल कल्चरल राइट्स लेकिन अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नेपाली आकर इंडिया में बस गए तो इंडिया में नेपाली भी तो बहुत कम मात्रा में होंगे माइनॉरिटीज़ में होंगे लेकिन वेल के मिलेगा कहती हैं कि नेपाली जो इंडिया में आकर बसे हैं ये मैटर ऑफ चॉइस है ये अपनी इच्छा से अपना डिसीज़न बनाकर यहाँ रहने आए हैं तो भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि इन नेपालीज़ को वो स्पेशल प्रोविजन्स दे क्योंकि ये मैटर ऑफ़ चांस ना होकर मैटर ऑफ़ चॉइस है तो आई होप कि अब भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ये बहुत इसको ही आगे हम देखेंगे कि जो बीकू पारिक हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है लिबरल स्कूल ऑफ थाट को कि ये बहुत ही गलत है क्यों नहीं रिफ्यूजीज और और जो जो इमिग्रेंट्स हैं उनको हम क्यों ना माइनॉरिटीज़ राइट्स दें हमें देने चाहिए ओके सो so, बीकू पारिक का अगर हम देखें ये बिलोंग करते हैं पोस्ट कॉलोनियल मल्टी कल्चरलज़्मॉट से और इन्होंने एक वाइडर कंसेप्ट दिया है मल्टी uh, कल्चरलम को और इन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया है जो लिबरल स्कूल ऑफ थाट है जो विल्क मिल्क के द्वारा दिया गया और बेसिक रीज़न था क्रिटिसाइज़ करने का क्या जो उन्होंने जो जो, जो बात करते हैं कि किस तरीके से एमीग्रेंट्स और और जो जो रिफ्यूजीज हैं उन्हें स्पेशल राइट्स नहीं देने हैं सिर्फ नेशनल माइनॉरिटीज़ को देने हैं ओके सो ये अकॉर्डिंग टू बिकू पारेक कहते हैं कि जो लिबरलिज़म है इज़ हार्डली मल्टी कल्चरल भले ये बात करते हैं कि जो जो जैसे विल्के मैं लेखा कहती हैं कि लिबरलिज्म क्या है लॉजिकल जो मल्टी कल्चरलम है दैट इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ लिबरलिज्म बट जबकि ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू भिको पारिक भिक्को पारिक कहते हैं कि लिबरलिज्म में हार्डली एनी मल्टी कल्चरलिज्म होता है क्यों क्योंकि जो लिबरल जो लिबरल वैल्यूज़ जो कल्चर uh, फॉलो करते हैं इस्पेली वेस्टर्न सोसाइटीज़ इन में ऑफ वैल्यू का एरोगेंस होता है अब एरोगेंस कैसे क्योंकि जो जो लिबरल जो लिबरल सोसाइटीज़ हैं ये अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करती हैं एज़ कंपेयर टू अदर सोसाइटीज़ तो ये मल्टी कल्चरलिज़म नहीं हुआ ना ये तो एरोगेंस हो गया कि आप अपने आप को अपने कल्चर को अपने अपने वैल्यूज़ को सुपीरियर मान रहे हैं और पूरी दुनिया में इसे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आप देखें ना किस तरीके से मैकडोनाल्ड कल्चर या जो 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 वेस्टर्न कल्चर है चाहे वो चाहे वो फूड को लेकर हो चाहे वो ट्रेडिशंस को लेकर हो चाहे उनके फेस्टिवल्स हो चाहे उनके आर्ट एंड लिटरेचर हो रही किस तरीके से पूरी द, पूरी दुनिया में आफ्टर ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड हो रहा है तो भिक्कू पारे कहते हैं कि जो लिबरलिज्म है दिस इज़ हार्डली मल्टी बिकॉज देयर एग्जिस्ट एरोगेंस ओके दे कंसीडर्ड देयर वैल्यूज़ एज अ सुपीरियर वैल्यूज़ और एशियन वैल्यूज़ को वो बहुत ही इन्फीरियर कंसीडर करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडियन इंडियन वैल्यूज़ हैं या इंडियन इंडियन ट्रेडिशंस हैं इसको वो बहुत ही मतलब गिरे हुए नज़र से देखते हैं तो ये ये कैसे मल्टी कल्चरलिज़म हुआ ओके सो बेको ने थ्री कॉम्पोनेंट्स बताए हैं मल्टी के पहला है कि देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन दी ह्यूमन नेचर एंड कल्चर ओके डिफरेंट कल्चर है डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वर्ल्ड एंड गुड लाइफ हर एक कल्चर ने अप वर्ल्ड को अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है समझा है और गुड लाइफ का जैसे इंडिया में आप देखेंगे कि स्परिचुअलिज्म का काफ़ी ज़्यादा है जो इंडियन कल्चर है उसमें स्परिचुअलिज्म का जो फीचर है काफ़ी यूनिक है आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखेंगे कि वहाँ पर वहाँ पर क्या है मटीरियलिज्म एंड ऑल का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा कल्चर इज़ वेरी डायनामिक बेको पारे कहते हैं कि जो कल्चर है दिस इज़ वेरी डायनामिक क्यों जैसे जब सरकमस्टेंसेस चेंज होती हैं ओके okay, तो वो जो मल्टी कल्चरलिज्म है उसके आइडिया को भी चेंज करती हैं जो कल्चर है उसके आइडियाज़ को भी चेंज करते हैं तो इस तरीके से मल्टी कल्चरलिज़म का कंसेप्ट क्या है डायनामिक हो गया बेको पारे सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर ज़रूरत है इंटरकल्चरल डायलॉग की इंटरकल्चरल डायलॉग के थ्रू हमें कुछ कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को डेवलप करना है जो पूरी दुनिया में फॉलो किए जा सके जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन डिग्निटी ह्यूमन डिग्निटी कॉमन नॉर्म्स है कॉमन वैल्यूज़ है जो आपको हर कल्चर में देखने को मिल जाएगी भाई हर कल्चर में जो ह्यूमन डिग्निटी है कि ह्यूमन बींग को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए या फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट एक ऐसी वैल्यू है जो आपको हर एक कल्चर और सोसाइटीज़ में देखने को मिलेगी तो भिक्खु कहते हैं कि हमें ऐसे कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को इवॉल्व करना है जिससे कि मल्टी के कंसेप्ट को हम इजी बना सकें या एग्जिस्टेंस को इजी बना सकें ओके सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो भिक्खु पारे हैं उन्होंने लिबरल व्यू ऑफ़ मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट नहीं किया है क्रिटिसाइज़ करते हैं ये कहते हैं कि लिबरल liberal, जो लिबरलिज्म है या लिबरल कल्चर है वहाँ पर हार्डली कोई मल्टी कल्चरलज़म जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है क्योंकि लिबरल जो लिबरल सोसाइटीज़ हैं वो अपने वैल्यूज़ अपने बिलीफ ट्रेडिशन को सुपीरियर मानते हैं उनके अंदर एक एरोगेंस की भावना होती है सुपीरियॉरिटी कम्प्लैक्स होता है और दूसरा जिस तरीके से वो इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज के राइट्स के देने की बात नहीं करते हैं उसे भी क्रिटिसाइज़ किया है भीकू पारेक ने एक हार्म प्रिंसिपल दिया है अपने मल्टी के कंसेप्ट में अब ये हार्म प्रिंसिपल क्या है भिक्कू पारे कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिस हैं जो हो सकता है लिबरल वैल्यूज़ के साथ मैच ना करें बट इन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करने से प्रैक्टिस करने से किसी का कोई हार्म नहीं है अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल संडे इज़ अ हॉलीडे आप देखोगे ना वर्क कल्चर में जॉब में सब जगह संडे को हम हॉलीडे के रूप में कंसीडर करते हैं अब ये क्या है ये लिबरल वैल्यू है लिबरल सोसाइटीज से हमने इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो लोग उनके लिए फ़्राइडे स्पेशल होता है राइट जो भी उनका अपना ट्रेडिशंस अपने कल्चर का जो पार्ट है जो बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग तो फ्राइडे अगर स्पेशल है तो अगर हम मुस्लिम्स जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं हम उनको संडे की जगह फ्राइडे एज अ हॉलीडे दे दें तो अपने कल्चर एक ये क्या हो गया स्पेशल कल्चरल राइट हो गया ओके तो इसमें किसी का नुकसान तो नहीं है भाई एक दिन आपको हफ्ते में हॉलीडे देना है तो आप संडे की जगह फ्राइडे को दे दें यह जो मार्केट सिस्टम है वो सिर्फ इसी आधार पर क्यों चल रही है कि संडे को ही सारी चीज़ें क्लोज होंगी तो हाँ प्रिंसिपल में बिक्को पारेक कहते हैं कि एनी कल्चरल प्रैक्टिसेस में नॉट बी अकॉर्डिंग टू लिबरल वैल्यूज़ बट इज स्टिल नॉट रिजल्टिंग इन टू एनी हार्म ओके हो सकता है बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस लिबरल वैल्यूज़ या लिबरल कल्चर के अकॉर्डिंग ना हो बट उनको प्रैक्टिस करने से किसी का को कोई नुकसान नहीं होगा तो हमें हमें इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए तो ये था बिक्को पारेक के आइडियाज़ तो आई होप कि अब आपको स्कूल ऑफ थाट है जो मल्टी में वो आप लिख सकते हैं अब हम इमरजेंस देखेंगे ये मल्टी का कंसेप्ट इमरजेंस में कैसे आया सो डेकेड ऑफ नाइनटीन में आप देखेंगे ये स्टार्ट होता है ये कंसेप्ट कैनेडा ऑस्ट्रेलिया ये ये क्या है मल्टी कल्चरल कंट्रीज हैं राइट इन 1971 कनाडा ने और इन 1993 ऑस्ट्रेलिया ने मल्टी को डिक्लेयर किया एंड टूडे आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज ने मल्टी कल्चरलिज्म को एक अपनी ऑफिशियल पॉलिसी के रूप में एक्सेप्ट किया है सो वॉट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दिज फिना पहला है डी कॉलोनाइजेशन डी कॉलोनाइजेशन क्या था जहाँ पर जो जो कॉलोनियल कंट्रीज थी उनको फ्रीडम या उनका लिबरेशन कॉलोनियल कंट्रीज़ का फ्रीडम इंडिपेंडेंस या लिबरेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया यूके की कॉलोनी थी और 1947 में इंडिया लिबरेट होता है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है तो इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली उस प्रोसेस को कहेंगे डी कॉलोनाइजेशन मतलब कॉलोनीज को हटाओ और उस कंट्री को इंडिपेंडेंस दो सो द प्रोसेस ऑफ डी कॉलोनाइजेशन द वेरियस इमरजेंस ऑफ द वेरियस न्यू स्टेट इन एशिया एंड अफ्रीका तो जब डी कॉलोनाइजेशन की फिनमिना हुई तो एशिया और अफ्रीका में बहुत सारे नए स्टेट उभर कर आते हैं जिन्हें एक टर्म दिया जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आपने इंटरनेशनल रिलेशन अगर पढ़ा होगा तो उसमें ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ सुना होगा ओके okay, सो so ये न्यू स्टेट इन एशिया अफ्रीका जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया भी इसका पार्ट है ओके सो दीज पोस्ट कॉलोनियल स्टेट क्या थे प्लूरल स्टेट थे प्लूरल स्टेट की मीनिंग क्या है कि कई सारी सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज के एग्जिस्ट होना साइमल्टेनियसली सो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी चैलेंजेस द यूरोसेंट्रिक वैल्यूज़ ओके जब डी हो गया जो एशिया या लैटिन अमेरिका या अफ्रीका में बहुत सारे नए स्टेट उभर कर आते हैं फ्रीडम के बाद में तो इन स्टेट में जो पोस्ट कोलोनियल थ्योरीज थी पोस्ट कोलोनियल थ्यूरी क्या है जो पोस्ट कोलोनियल स्टेट हैं उनका स्टडी करना राइट right. जैसे कि पोस्ट कोलोनियल स्टेट जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली तो पोस्ट कोलोनियल सोसाइटी हो गई ना अब पोस्ट कोलोनियल सोसाइटी को स्टडी करने के लिए भी तो वेरियस थ्योरीज होंगी सो so, पोस्ट कोलोनियल थ्योरीज ने यूरोसेंट्रिक वैल्यूज को एक तरीके से चैलेंज करना शुरू किया ओके okay, चैलेंज कैसे शुरू कर किया कि अब अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया अदर एशियन और लैटिन अमेरिका या अफ्रीकन नेशन अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं तो ये कहेंगे भाई हमारी वैल्यूज़ हमारी कल्चर हमारे जो ट्रेडिशन और कस्टम्स हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस है ऐसा नहीं है कि हम जो यूरोसेंट्रिक वैल्यूज़ हैं फॉर एग्जांपल जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो वैल्यूज़ हैं फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लैंग्वेज का सो इंग्लिश को हम एक 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 लिबरल सोसाइटी या यूरोसेंट्रिक वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि उस कल्चर का पार्ट है हमारे तो हमने हिंदी बोल हमारी लैंग्वेज थी लेकिन जो यूरोसेंट्रिक वैल्यूज़ हैं उसको चैलेंज करना शुरू किया जैसे आजकल हम हमारे इंडिया में देखेंगे आप कि हिंदी को हम अपनी लैंग्वेज के रूप में बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इवन यूनाइटेड नेशंस में भी स्पीचेस जब देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर या जो हमारी फ़ारेन मिनिस्टर थी वो उन्होंने हिंदी में बहुत जगह उन्होंने हिंदी में अपना अपनी स्पीचेस दिए तो जो पोस्ट कोलोनियल थ्योरीज हैं उन्होंने यूरोसेंट्रिक वैल्यूज को चैलेंज करना शुरू किया कि भाई इंग्लिश ही सबसे मॉडर्न और सुपीरियर लैंग्वेज नहीं है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो लैंग्वेज हैं वो भी अपने आप में वैल्यू रखती हैं गेटिंग इट सो एम्फिसाइज द वैल्यू सिस्टम ऑफ दी सोसाइटी विच वर प्लूरल इन नेचर ओके सो एडवर्ड सेड एक स्कॉलर है वो कहते ही गेव द कंसेप्ट ऑफ ओरिएटेलिज़म विच एम्फिसाइज्ड ऑन दीज सोसाइटीज़ एंड फ्रेंच फैनन की बात कर सकते हो जो डी कोलोनाइजेशन नॉट मेयरली पोलिटिकल प्रोसेस इट इज़ अ बर्थ ऑफ न्यू स्पेसीज मतलब डी कोलनाइजेशन एक सिर्फ पोलिटिकल प्रोसेस नहीं थी बट इस प्रोसेस के दौरान आपको नए स्पेसीज मतलब जो पोस्ट कोलोनियल सोसाइटीज़ के लोग थे वो उभर कर आते हैं ओके okay, तो डी कॉलनाइजेशन अपने आप में एक बहुत कारण था जिसने मल्टी कल्चरलिज्म जैसे कंसेप्ट को लाने पर हेल्प किया एक फैक्टर बनता है सेकेंड है वर्ल्ड वॉर टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम है स्पेशली जो फासिस्ट कंट्रीज़ थे जैसे कि जर्मनी और इटली यहाँ पर क्या हुआ जो माइनॉरिटीज़ थे इनको फोर्स किया गया कंपेल किया गया टू लीव देयर ओन कंट्री और वो दूसरे दूसरे देशों में जाकर बस गए इसकी वजह से इस प्रॉब्लम की वजह से ओके okay, जो फासिस्ट कंट्रीज में उस समय चल रही थी हिटलर एंड मुसोलिनी के द्वारा तो आप देखेंगे कि इन्हें फोर माइनॉरिटीज़ का एग्जीक्यूशन किया गया बहुत बड़ी मात्रा में ओके okay, तो इस तरीके से इस प्रोसेस वर्ल्ड वॉर टू के बाद देखेंगे कि होमोजेनस सोसाइटीज़ ऑफ द यूरोप यूरोप जो बनाने की कोशिश की गई थी कि हम जर्मन जो हैं हम सुपीरियर रेस हैं जर्मनी में सिर्फ जर्मन पीपल्स ही रहेंगे बाकी जितने दूसरे कल्चर और कम्यूनिटीज़ के लोग हैं वो देश छोड़ दें तो ऐसी प्र, प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज खड़ी होगी इस समय ओके सो दिस प्रॉब्लम वॉज टैकल्ड बाई द यूनाइटेड नेशन बट एट द नेशनल लेवल इट वॉज एड्रेस बाई एक्सेप्टिंग द मल्टी कल्चरलिज्म सो इस प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज खड़ी हुई थी जिसकी वजह इसकी जो जो फासीज्म जैसी जो फिन हुए थे इसके द्वारा तो इसका सोल्यूशन कहाँ निकला कि भाई नहीं हमें मल्टी कल्चरलिजम को एडजस्ट करना होगा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो प्रॉब्लम नहीं है अपने आप में ये तो सोसाइटीज़ को एनरिच करती है और सोसाइटी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये बेनिफिशियल है ओके सो वर्ल्ड वॉर टू से एक फैक्टर बनता है मल्टी के को लाने के लिए क्यों क्योंकि अगर मल्टी फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर टू नहीं होता तो प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज नहीं आती तो इस प्रॉब्लम का सोलूशन हमने मल्टी के रूप में जो निकाला वो नहीं निकाला होता ओके okay, समझ में आया कि ये प्रॉब्लम ये कैसे एक फैक्टर बना ग्लोबलाइजेशन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मल्टी के लिए प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बाद अब ये प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है इस प्रोसेस में क्या हुआ इंटरनेशनल लेवल पे जो मार्केट्स हैं ना डिफरेंट कंट्रीज़ की वो इंटीग्रेट हुई मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुई इंटरडिपेंडेंट हुई इंटरकनेक्टेड हुई जैसे कि इंडियन मार्केट यूएस या यूके या फ्रांस रसिया इन सब से जुड़ गई इसके बाद से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई ये इंटीग्रेशन और स्ट्रॉन्ग होता गया सो so ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स हो गया जो वर्ल्ड सिस्टम है अब अब जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं ओके सो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना हम कितना भी लड़ते रहें बट हमारा जो ट्रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज़ के लिए ओके okay. सो so, जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है इसने इंकरेज किया फ्री फ्लो ऑफ लेबर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का तो फ्लो जो फ्री फ्लो हुआ ही एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा था वो तो हुआ ही लेकिन साथ ही साथ जो ह्यूमन बींग जो लेबर्स थे उनका भी मूवमेंट हुआ फ्री फ्लो हुआ एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में और इस तरीके से प्रॉब्लम ऑफ इमिग्रेंट्स खड़ी हो गई फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन कंपनीज़ को ज़रूरत थी कि वो कम वेजेज में कम सैलरी में लोगों को हायर करें अमेरिका में क्या है पॉपुलेशन कम है बट वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर एम्प्लॉज़ की डिमांड है नीड है तो इंडियंस माइग्रेट होंगे एम्प्लॉ के रूप में वहाँ पर और कम वेजेस में वहाँ पर अच्छी सर्विसेज देंगे तो जब इंडियन अमेरिका में पहुँचेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ इमिग्रेंट्स होगी ना कि इंडियंस के राइट्स कल्चरल राइट्स जो बिलीफ हैं या या जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं कस्टम्स हैं ट्रेडिशंस हैं उनको वो कैसे मेंटेन करें तो इसका सल्यूशन किस फॉर्म में निकला मल्टी कल्चरलिज़म के रूप में कि भाई यू को मल्टी कल्चरलिज़म का कंसेप्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपनी पब्लिक जो पब्लिक पॉलिसी है उसमें ये चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी कि जो भाई माइनॉरिटीज़ हैं जो एमिग्रेंट्स हैं जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके कल्चरल राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो वो वहाँ सस्टेन करेंगे तभी तो वो यू की इकोनॉमी के लिए काम करेंगे गेटिंग इट तो ग्लोबलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर बनकर आता है किसके बीच में किसके लिए मल्टी के लिए इसके बाद से डिसंटीग्रेशन ऑफ द यू हुआ तो ये आपको पता है जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ था कैसे जब यू एस एस कोलैप्स कर गया था यू एस एस कई सारे रिपब्लिकन कई सारे कंट्रीज़ का एक ग्रुप था अपने आप में अब ये ग्रुप अपने आप में डिसंटीग्रेट होता है मतलब कोलैप्स होता है टूट फूट जाता है और कई सारे इंडिपेंडेंट नेशंस में ये बन जाता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया का अगर डिसइंटीग्रेशन हो तो उत्तर प्रदेश एक अपने आप में कंट्री बन जाए बिहार एक अलग कंट्री बन रही है महाराष्ट्र अलग कंट्री एम अलग कंट्री मान लीजिए जितने भी स्टेट्स हैं तो मान लीजिए इंडिया जो एक यूनियन है या फेडरेशन है ये डिसइंटीग्रेट हो जाए तो ये जितने भी इस, स्टेट हैं राज्य हैं हमारे देश में ये अपनी अलग अलग कंट्री बन जाए फॉर एग्जांपल तो यही हुआ यूएसएसआर के साथ में यूएसएसआर के का जो 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 एथनिक नेशनलिज्म था और जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग इस यूएसएसआर इस ग्रुप में रह रहे थे राइट वो वो सेपरेट स्टेट हुड में धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए और जो कोलैप्स होता है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद वो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन जाते हैं ये कोल्ड वॉर में आपने पढ़ा होगा इस कंसेप्ट को तो गॉट इट ना कि ये ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर क्या है जो सोवियत यूनियन है जो रसिया है पहले कई सारे कंट्रीज़ जैसे ये यूक्रेन हो गया ओके तो ये सारे पहले इसके पार्ट हुआ करते थे अभी क्या है ये अलग अलग कंट्रीज़ बन गए हैं सो जब ये डिसइंटिग्रेशन होता है तो एक 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 थ्रेट या एक फियर उभर कर आता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ फिर इस तरीके से डिमांड करेंगी या कि हम सेपरेट स्टेट हमें चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में जो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ पार्ट्स हैं जो सेपरेट स्टेट हुड की बात करते रहते हैं फिर आप नॉर्थ ईस्ट पे देखेंगे वो जो सेपरेट स्टेट हुड की बात करते हैं ऐसे बहुत सारे इवन जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जैसे यूपी में तो जैसे कहते हैं कि ना हमें हमें अलग जो चार स्टेट में डिवीज़न करने की बात कर रहे हैं पहले जैसे उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट था बट यूपी से कट करके उत, उत्तराखंड को एक अलग स्टेट बनाया गया तो ऐसे ही नेशनल लेवल पर होता है कि जहाँ पर कई कुछ पार्ट डिमांड करते हैं कि हमें एक अलग कंट्री बना दिया जाए कैन यू गिव मी समज़ाम्पल्स जो जैसे कि आप नाम सुनते रहते हो खालिस्तान का नाम सुनते रहते हो ना तो आप मुझे एग्जाम्पल्स दी, दीजिए कि ऐसे दुनिया में कैसे जो ये चल रहा है डिफरेंट नेशनस नेशन हुड की जो डिमांड चल रही है उसकी सो so, डिसग्रेशन अब इसका सोल्यूशन किस चीज़ में है मल्टी कल्चरलिज़म में भाई अगर उस पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के राइट्स को आप कंसिडर कर रहे हो प्रोटेक्ट कर रहे हो माइनॉरिटीज़ की तो वो सेफ फील करेंगे और उन्हें लगेगा कि उन्हें अपना कल्चरल राइट्स मिल रहे हैं तो वो जो जो सेपरेट स्टेट हुड की डिमांड कर रहे हैं या सेपरेट नेशन हुड की डिमांड कर रहे हैं वो नहीं करेंगे तो इसका सोलूशन कहाँ पर है to accept the multiculturalism then accommodation of the minority group okay so minorities ke jo rights ko address karna hai jo ho sakta hai ki democracy us us problem ko nahi strengthen, acknowledge कर पा रही है देखो democracy में क्या होता है rule of majority, राइट right. रूल ऑफ़ मेजोरिटी डेमोक्रेसी में जो जो मेजोरिटी में चीज़ें आती हैं क्योंकि वहाँ पे वोट सिस्टम चल रहा है फॉर एग्जांपल इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रूल में आती है जो मेजोरिटी सीट्स जीतती है ओके okay, उस तो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स होते हैं वो इफ़ेक्टिव तरीके से एड्रेस नहीं हो पाते हैं तो इस प्रॉब्लम का सोलूशन कहाँ पर है मल्टी कल्चरलिज्म में सो दिस डिसटिस्फेक्शन फॉर डेमोक्रेसी ऑल्सो स्ट्रेंथ इन द डिमांड ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म सो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मल्टी कल्चरलिज्म केम इन टू द एग्जिस्टेंस डेमोक्रेसी के साथ डिससेटिसफेक्शन और डिफरेंट जो सेपरेट स्टेट हुड की डिमांड की जा रही है वेरियस एथनिक ग्रुप के द्वारा फिर एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर और देती हूँ जो मैंशन कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल जो कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे हैं कुर्द एक एथनिक कम्युनिटी है जो अपना एक सेपरेट नेशनहुड की बात कर रहे हैं इसके बाद से ग्लोबलाइजेशन जब फ्री फ्लो ऑफ लेबर गुड्स एंड सर्विसेज होता है तो इसकी ज़रूरत हुई वर्ल्ड वॉर सेकेंड जहाँ पर जिस तरीके से फासिज़म उभर कर आता है एक फिनोमिना उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं भाई मल्टी जैसी चीज़ को कंसेप्ट को डेवलप करना होगा डी की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों के भी राइट्स और उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस को कैसे एकोमोडेट किया जाए तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मल्टी कल्चरिज्म केम इन टू द एग्जिस्ट अब मेजर एजम्पन्स या थीम्स क्या हैं अब हम मल्टी कल्चरिज़म को थोड़ा और डीप में समझेंगे अभी तक तो आपने थ्योरीज पढ़ ली वेरियस स्कूल ऑफ थाट जो हैं वो पढ़ लिए और आपने कारण जान लिए कि मल्टी कल्चरिज्म क्यों एग्जिस्टेंस में आया अब हम कुछ थीम्स और मेज़र एजम्पन्स देखते हैं मल्टी कि मल्टीकल्चरलिज्म किन किन चीज़ों को रिजेक्ट करता है और किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है राइट right? तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है कि जो 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 बेसिक पॉलिटिकल फिलॉसफी का थीम होता है इक्वालिटी इक्वालिटी एक अपने आप में पॉलिटिकल कंसेप्ट है ओके okay? जैसे लिबर्टी एक अपने आप में कंसेप्ट है जस्टिस अपने आप में एक कंसेप्ट है तो इक्वालिटी भी एक पोलिटिकल कंसेप्ट है ओके सो मल्टीकल्चरलिज्म रिजेक्ट दिस कन्वेंशनल कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी अब क्यों इक्वालिटी को रिजेक्ट किया जाता है मल्टीकल्चरलिज्म के द्वारा इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी क्या कहता है इक्वालिटी कहता है सेमनेस की बात करता है ओके okay, ये इक्वालिटी का मतलब होता है सेमनेस मतलब एक जैसा व्यवहार करना हम कहते हैं ना इक्वल ट्रीटमेंट मतलब एक जैसा व्यवहार करो मतलब देयर इज़ आर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस या जेंडर या लैंग्वेज या रीजन इसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करो तो इक्वलिटी डिमांड्स फॉर द सेम इज यूनिफॉर्मिटी लेकिन जो मल्टी कल्चरलिज्म के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि इक्वलिटी एज अ रिकोग्निशन ऑफ द डिफरेंस बिकॉज ऑल पोलिटिकल आइडियल्स इंक्लूडिंग इक्वालिटी इज अ कल्चरल बाउंड सो इवन इक्वालिटी खुद ही कल्चरल बाउंड है देखो हर एक समाज में हर एक कल्चर में इक्वालिटी की अपनी अपनी मीनिंग है इक्वालिटी इन वाट सेंस ओके कहीं पर जेंडर इक्वालिटी की बात ज़्यादा होगी कहीं पर इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात होगी कहीं पर पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात होगी तो जो जो मल्टी uh, है ये बात करते हैं कल्चरल इक्वालिटी के कि हर एक कल्चर को इक्वल रिस्पेक्ट इक्वल स्टेटस दिया जाए ओके okay, सो so ये एक कंसेप्ट हो गया नेक्स्ट है पॉलिटिक्स सो कन्वेंशनल नोशन ऑफ पॉलिटिक्स इज अ पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो रिसोर्सेज हैं या वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ये पॉलिटिक्स में आ जाता है और इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट नोशन डेवलप किए गए हैं जैसे इक्वालिटी जस्टिस लिबर्टी ओके सो द मेन पर्पज़ ऑफ पोलिटिकल सिस्टम क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को अचीव करना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के सिस्टम को बनाना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब हु गेट्स वॉट कि हम जो जो रिसोर्सेज हैं उनको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें राइट right? जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी में वेरियस कल्चर के लोग रह रहे हैं जैसे हिंदू हिंदू कम्युनिटी के लोग हो गए जैन हो गए या बुद्धिस्ट हो गए वेरियस कम्युनिटीज़ हैं तो अभी ये है कि इनकी पॉपुलेशन के आधार पर राइट right, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि हम रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए सोसाइटी में और इस प्रोसेस में हम एलिमिनेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इनकोलिटी को सबसे ऊपर रखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक इनकवलिटी ना हो इस प्रोसेस में ऐसा ना हो कि जो लोग मेजोरिटी में हैं उनको उनको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं क्योंकि उनका डोमिनेंस रहेगा ये सोशियो इकोनॉमिक इनकवलिटी नहीं होना चाहिए जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटी का तो ये क्या है कास्ट के बेसिस में आपने देखा होगा जिस तरीके से सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता आया है या वोमेन को हम देख लें तो उनके साथ जिस तरीके से इकोनॉमिक डिस्क्रि डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन को जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें उतनी नहीं मिलेगी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिलती हैं तो ये सब क्या है सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है या सोशियो इकोनॉमिक इनकोलिटीज़ हैं एक ही काम के लिए वुमेन को कम पे मिलती है और दूसरा जो 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 मेल कलीग है उसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी फॉर एग्जांपल तो ये क्या है जो वेजेस में डिफरेंसेस आता है पे में भी बहुत बार ये हाईलाइट हुए होंगे ये मुद्दे आप सब अवेयर होंगे इस चीज़ से सो मल्टी कल्चरलिज़म आइडेंटिफाई दी पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ये जो मल्टी कल्चरिज्म के सपोर्टर हैं ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पोलिटिकल सिस्टम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है रिकोगनीशन पोलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी पोलिटिक्स ऑफ रिकोगशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द पोलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सो एलिमिनेशन ऑफ कल्चरल इनजस्टिस सो हमारा मेन कंसर्न क्या होना चाहिए कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन या कल्चरल इनजस्टिस को रिम्यू रिमूव करना या एलिमिनेट करना ना कि सोशो इकोनॉमिक इनजस्टिस को सो सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस इंपॉर्टेंट है किसे रिमूव करना है एलिमिनेट करना है लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कल्चरल इनजस्टिस को एलिमिनेट करना गॉट इट नेक्स्ट क्या कंसेप्ट है नेक्स्ट क्या कॉम्पोनेंट है सिटीजनशिप सो कन्वेंशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी बात करेगा यूनिवर्सल सिटीजनशिप जैसे हम इंडिया में बात करते हैं कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच कि पूरी दुनिया एक फैमिली है उस हम सभी इंसान उस फैमिली के मेंबर हैं दिस इज द यूनिवर्सल सिटीजनशिप या कॉस्मोपोलिटन अप्रोच जो आपको इंडियन फिलोसफी में भी देखने को मिलेगा ओके सो यहाँ पर क्या बात कर जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल फिलासफी है यहाँ पर बात किया जाता है क्रिएट्स अ यूनिफॉर्म डिग्निटी फ्रॉम द डाइवर्सिटी सो सॉरी यूनिफॉर्म आइडेंटिटी फ्रॉम द डाइवर्सिटी सो यूनिवर्सल सिटीजनशिप देकर आप कॉस्मोपोलिटन अप्रोच देकर आप एक काम कर क्या कर रहे हैं यूनिफॉर्म आइडेंटिटी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं बट मल्टी कल्चरिज्म के सपोर्टर डिमांड करते हैं डिफ्रेंसीटेड सिटीजनशिप की ना कि यूनिवर्सल सिटीजनशिप की क्यों क्योंकि मल्टी कल्चरिज्म बिलीव्स इन दैट की डिफरेंट सेट्स ऑफ राइट फॉर डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप हैं उनको डिफ अपने अपने कल्चर के हिसाब से राइट्स मिले ना आप यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश क्यों कर रहे हो आइडेंटिटी में आप यूनिवर्सल सिटीजनशिप की बात क्यों कर रहे हो आप डिफ्रेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात करिए नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज द इंडिविजुअल आइडेंटिटी ओके सो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स में बेसिकली क्या होता है जो लिबरलिज्म है दैट सपोर्ट्स द इंडिविजुअल आइडेंटिटी एज इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करेंगे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की बात करेंगे ओके okay? जो 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 कन्वेंशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी है लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म में इंडिविजुअल आइडेंटिटी की जगह पर फोकस कहाँ पर होता है कहाँ पर जोर दिया जाता है ग्रुप आइडेंटिटी पे। मल्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो मानते हैं कि जो पीपल्स हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप विच दे बिलोंग्स तो हमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी को नहीं बढ़ावा देकर हमें ग्रुप आइडेंटिटी को बढ़ावा देना चाहिए जबकि कन्वेंशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी जैसे लिबरलिज्म में क्या होता है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप आइडेंटिटी तो ये डिफरेंस समझ में आया द नोशन ऑफ डेमोक्रेसी सो मल्टी है ये कन्वेंशनल नोशन ऑफ डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है मेजोरिटी रूल को हम बढ़ावा देते हैं माइनॉरिटीज़ के राइट right को उतने इफेक्टिव तरीके से कंसीडर नहीं किया जाता या किया भी जाता है तो वो फेल हो जाता है ओके सो सो जो डेमोक्रेसी विच इज़ बेस्ड ऑन द मेजोरिटी रूल बट मल्टी दैट एम्फेसाइजेज़ ऑन द माइनॉरिटी राइट्स इन डेमोक्रेसी सो ये आप लिख सकते हैं तो अब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं और इसी के साथ अपना डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे सो मल्टी कल बेसिकली एड्रेस दी प्रॉब्लम्स ऑफ रिफ्यूजी एंड इमिग्रेंट्स ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है अपने आप में इस कंसेप्ट की क्योंकि इस कन्सेप्ट इस थ्योरी के माध्यम से हम आज जो हम इवन ट्वेंटी सेंचुरी में रेफ्यूजीज और इमिग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं उससे हम उसको हम एड्रेस कर सकते हैं सो so, अभी इन द ए एयर ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द ए एयर ऑफ़ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये कन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है आपने अपने रोहिंग्याज रिफ्यूजीज का कन्सेप्ट सुना होगा या यूरोप में आपने जिस तरीके से जो रिफ्यूजी क्राइसिस आया था बहुत सारी फोटोग्राफर्स आपने फोटोग्राफ्स आपने देखी होगी कि, कि किस तरीके से बच्चों की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ दिस ये रिफ्यूजी क्राइसिस एंड ऑल तो इस प्रॉब्लम को डील किस तरीके से किया जाता है किया जा सकता है मल्टी को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है मल्टी में माइनॉरिटी राइट्स को इम्पॉर्टेंस दिया जाता है या एसेंशियल माना जाता है फॉर द हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम नेक्स्ट सिग्निफिकेंस आप लिख सकते हो कि इट गिव्स इम्पॉर्टेंस टू द वेरियस कल्चरल ग्रुप्स या एथनिक ग्रुप्स राइट कोई यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं करते हैं ये लोग राइट यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी जो इंडिया में एक कंसेप्ट है वो लागू किया जाता है तो ये बहुत जरूरी ये सिग्निफिकेंस हो गया इसके ओके सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस हमने मल्टी को बहुत डिटेल में समझा हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझा था फिर हमने सिग अभी अभी हमने सिग्निफिकेंस देखा फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से मेजर एजम्पशंस या थीम्स क्या हैं मल्टी में जहाँ पे हमने देखा कि ये डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी को क्रिटिसाइज़ करते हैं राइट कन्वेंशनल जो नोशन है पोलिटिक्स का उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं यूनिवर्सल सिटीजनशिप की जगह पे डिफ्रेंसीटेड सिटीजनशिप की बात करते हैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी की जगह ग्रुप आइडेंटिटी की बात करते हैं ओके और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स की जगह डिस्ट्रीब्यूशन या आइडेंटिटी की बात करते हैं कि उसको सबसे पहले रखें कल्चरल इक्वालिटी की बात करते हैं ओके okay? तो ये हमने देखा और हमने क्या देखा कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से इमरजेंस होता है मल्टी uh, का तो डी कॉलोनाइजेशन फिर वर्ल्ड वॉर टू हमने देखा फिर हमने ग्लोबलाइजेशन देखा राइट right? इसके बाद हमने जो डिस इंटीग्रेशन ऑफ द यू था फिर माइनॉरिटीज़ ग्रुप का जो एक्मोडेशन था तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि, कि किस तरीके से फैक्टर्स या सिचुएशन बनती हैं जहाँ पर मल्टी केम इन टू द एग्जिस्टेंस इसके बाद से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो हमने डिस्कस किया है वो बिखू और विल कमिल्का का जो हमने पॉइंट ऑफ व्यू या डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ओके सो आई होप कि दिस इज़ दिस लेक्चर इज मोर देन इनफ अगर मल्टीकल्चरलिज्म के कंसेप्ट को आप समझना है चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए आप एड्रेस कर पाओगे दोनों ही सो so ये यूजीसी नेट के लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनको भी एड्रेस कर पाओगे अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं नीचे एंड प्लीज कॉमेंट में बिलो कि आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी See you in the next video. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep exploring.